घबराने की बात नहीं, सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है, हिम्मत से मुकाबला किया तो कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं तमाम मुतासर अफराद दूसरे मुल्कों से आए, मकामी तौर पर वायरस फैलने के शवाहिद अभी तक नहीं है। पंजाब की सियासत में हलचल मच गई, नून लीग के 6 लोटों और पीपल्स पार्टी के 1 लोटे की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। वजीर आजम और वजीर आला की क्यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, आपको साथ लेकर चलेंगे, इज्जत और एहतराम देंगे, उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। पीटीआई के नहले पर नून लीग का दहला, सियासी ग्राउंड पर तहरीक इंसाफ की एक विकेट उड़ा दी। दावर कुंडे का नून लीग में शमूलियत का फैसला, बाकायदा ऐलान अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। वफाकी हुकूमत के कर्जे 329,097 अरब रुपए हो गए, पीटीआई के दौर में कर्जों में 33.5% इजाफा, 17 माह में 8,265 अरब रुपए कर्ज का बोझ बढ़ गया। मैं नैब को पहले लिख के ना दे चुका हूँ, वादे थे कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफा और पूछ लिया जी क्या हाल है, मौसम कैसा है। नहीं तो आप कह रहे हैं जाती हुई, उन्होंने तो आपसे बड़ी गप्पे मारी हैं, आप कह रहे हैं हुकूमत करिए, वो सिर्फ अपना टाइम पूरा करने नहीं। देखिए एक जेल था, एक नैब कस्टडी थी, मैं नैब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, टू डिफरेंट। जेल में कोई शख्स नहीं आया 5 महीने में, तो कोई ऐसी बात नहीं है जी, वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, कोई शिकायत नहीं है। और आप पहले भी जा चुके हैं जी। नैब के कैद में था तो पार्टी के दोस्त मिलने आते थे, जब अटियाला जेल मुंतकिल किया गया तो कोई पार्टी का साथी मिलने नहीं आया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का शिकवा। रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं मुशीर तिजारत रजाक दाऊद किसी को मिलना गवारा नहीं करते, फैसलाबाद की सनतें बंद हो रही हैं, फैसलाबाद नहीं चलेगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। पंजाब में ग्रैंड हेल्थ अलायंस फिर सरापा एहतजाज, एमटीआई एक्ट नामंजूर नामंजूर के नारे लगा दिए। फैसलाबाद में मुजाहरीन का धरना, अस्पतालों की इमरजेंसी बंद करने की धमकी दी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, पंजाब में भी बादल बरसने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी रंग जमाएंगे, बारिशों का सिलसिला जुम्मे तक जारी रहेगा। घबराने की बात नहीं, सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है, हिम्मत से मुकाबला किया तो कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं तमाम मुतासर अफराद दूसरे मुल्कों से आए, मकामी तौर पर वायरस फैलने के शवाहिद अभी तक नहीं है। पंजाब की सियासत में हलचल मच गई, नून लीग के 6 लोटों और पीपल्स पार्टी के 1 लोटे की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। वजीर आजम और वजीर आला की क्यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, आपको साथ लेकर चलेंगे, इज्जत और एहतराम देंगे, उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। पीटीआई के नहले पर नून लीग का दहला, सियासी ग्राउंड पर तहरीक इंसाफ की एक विकेट उड़ा दी। दावर कुंडे का नून लीग में शमूलियत का फैसला, बाकायदा ऐलान अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। वफाकी हुकूमत के कर्जे 329,097 अरब रुपए हो गए, पीटीआई के दौर में कर्जों में 33.5% इजाफा, 17 माह में 8,265 अरब रुपए कर्ज का बोझ बढ़ गया। मैं नैब को पहले लिख के ना दे चुका हूँ, वादे थे कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफा और पूछ लिया जी क्या हाल है, मौसम कैसा है। नहीं तो आप कह रहे हैं जाती हुई, उन्होंने तो आपसे बड़ी गप्पे मारी हैं, आप कह रहे हैं हुकूमत करिए, वो सिर्फ अपना टाइम पूरा करने नहीं। देखिए एक जेल था, एक नैब कस्टडी थी, मैं नैब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, टू डिफरेंट। जेल में कोई शख्स नहीं आया 5 महीने में, तो कोई ऐसी बात नहीं है जी, वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, कोई शिकायत नहीं है। और आप पहले भी जा चुके हैं जी। नैब के कैद में था तो पार्टी के दोस्त मिलने आते थे, जब अटियाला जेल मुंतकिल किया गया तो कोई पार्टी का साथी मिलने नहीं आया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का शिकवा। रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं मुशीर तिजारत रजाक दाऊद किसी को मिलना गवारा नहीं करते, फैसलाबाद की सनतें बंद हो रही हैं, फैसलाबाद नहीं चलेगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा।
पंजाब में ग्रैंड हेल्थ अलायंस फिर सरापा एहतजाज, एमटीआई एक्ट नामंजूर, नामंजूर के नारे लगा दिए। फैसलाबाद में मुजाहरीन का धरना, अस्पतालों की इमरजेंसी बंद करने की धमकी दी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, पंजाब में भी बादल बरसने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी रंग जमाएंगे। बारिशों का सिलसिला जुम्मे तक जारी रहेगा। घबराने की बात नहीं, सूरत हाल कंट्रोल में है, हिम्मत से मुकाबला किया तो कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं तमाम मुतासर अफराद दूसरे मुल्कों से आए, मकामी तौर पर वायरस फैलने के शवाहिद अभी तक नहीं है। पंजाब की सियासत में हलचल मच गई, नून लीग के 6 लोटों और पीपल्स पार्टी के 1 लोटे की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। वजीर आजम और वजीर आला की क्यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, आपको साथ लेकर चलेंगे, इज्जत और एहतराम देंगे, उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। पीटीआई के नहले पर नून लीग का दहला, सियासी ग्राउंड पर तहरीक इंसाफ की एक विकेट उड़ा दी। दावर कुंडी का नून लीग में शमूलियत का फैसला, बाकायदा ऐलान अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। वफाकी हुकूमत के कर्जे 329,097 अरब रुपए हो गए, पीटीआई के दौर में कर्जों में 33.5% इजाफा, 17 माह में 8,265 अरब रुपए कर्ज का बोझ बढ़ गया। मैं नैब को पहले लिख के ना दे चुका हूँ, वादे थे कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफा और पूछ लिया जी क्या हाल है, मौसम कैसा है, नहीं तो आप कह रहे हैं जाती हुई उन्होंने तो आपसे बड़ी गप्पे मारी हैं, आप कह रहे हैं हुकूमत कर जी वो सर अपना टाइम पूरा करने नहीं। देखिए एक जेल था, एक नैब कस्टडी थी, मैं नैब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, टू डिफरेंट। जेल में कोई शख्स नहीं आया 5 महीने में, तो कोई ऐसी बात नहीं है जी, वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, मेरी कोई शिकायत नहीं है। और आप पहले भी जा चुके हैं जी। नैब की कैद में था तो पार्टी के दोस्त मिलने आते थे, जब अटियाला जेल मुंतकिल किया गया तो कोई पार्टी का साथी मिलने नहीं आया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाका नवासी का शिकवा। रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं मुशीर तिजारत रजाक दाऊद किसी को मिलना गवारा नहीं करते, फैसलाबाद की सनतें बंद हो रही हैं, फैसलाबाद नहीं चलेगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। पंजाब में ग्रैंड हेल्थ अलायंस फिर सरापा एहतजाज, एमटीआई एक्ट नामंजूर, नामंजूर के नारे लगा दिए। फैसलाबाद में मुजाहरीन का धरना, अस्पतालों की इमरजेंसी बंद करने की धमकी दी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, पंजाब में भी बादल बरसने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी रंग जमाएंगे। बारिशों का सिलसिला जुम्मे तक जारी रहेगा। घबराने की बात नहीं, सूरत हाल कंट्रोल में है, हिम्मत से मुकाबला किया तो कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं तमाम मुतासर अफराद दूसरे मुल्कों से आए, मकामी तौर पर वायरस फैलने के शवाहिद अभी तक नहीं है। पंजाब की सियासत में हलचल मच गई, नून लीग के 6 लोटों और पीपल्स पार्टी के 1 लोटे की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। वजीर आजम और वजीर आला की क्यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, आपको साथ लेकर चलेंगे, इज्जत और एहतराम देंगे, उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। पीटीआई के नहले पर नून लीग का दहला, सियासी ग्राउंड पर तहरीक इंसाफ की एक विकेट उड़ा दी। दावर कुंडी का नून लीग में शमूलियत का फैसला, बाकायदा ऐलान अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। वफाकी हुकूमत के कर्जे 329,097 अरब रुपए हो गए, पीटीआई के दौर में कर्जों में 33.5% इजाफा, 17 माह में 8,265 अरब रुपए कर्ज का बोझ बढ़ गया। मैं नैब को पहले लिख के ना दे चुका हूँ, वादे थे कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफा और पूछ लिया जी क्या हाल है, मौसम कैसा है, नहीं तो आप कह रहे हैं जाती हुई उन्होंने तो आपसे बड़ी गप्पे मारी हैं, आप कह रहे हैं हुकूमत कर जी वो सर अपना टाइम पूरा करने नहीं। देखिए एक जेल था, एक नैब कस्टडी थी, मैं नैब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, टू डिफरेंट। जेल में कोई शख्स नहीं आया 5 महीने में, तो कोई ऐसी बात नहीं है जी, वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, मेरी कोई शिकायत नहीं है। और आप पहले भी जा चुके हैं जी।
नैब की कैद में था तो पार्टी के दोस्त मिलने आते थे, जब अटियाला जेल मुंतकिल किया गया तो कोई पार्टी का साथी मिलने नहीं आया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का शिकवा। रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं मुशीरे तिजारत रजाक दाऊद किसी को मिलना गवारा नहीं करते। फैसलाबाद की सनतें बंद हो रही हैं, फैसलाबाद नहीं चलेगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। पंजाब में ग्रैंड हेल्थ अलायंस फिर सरापा एहतजाज, एमटीआई एक्ट नामंजूर नामंजूर के नारे लगा दिए। फैसलाबाद में मुजाहरीन का धरना, अस्पतालों की इमरजेंसी बंद करने की धमकी दी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, पंजाब में भी बादल बरसने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी रंग जमाएंगे। बारिशों का सिलसिला जुम्मे तक जारी रहेगा।